Hello friends, today we are going to discuss one of the most important, very interesting topic, that is micturition. What is micturition? It is a process by which voiding of urine from the urinary bladder known as micturition. मतलब यूरिन पास करना मिक्चुरेशन कहलाता है. ओके, सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच वॉइडिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर known as micturition. Okay, so first we should know what is, where is urinary bladder is situated. Okay, so my dear friend, urinary bladder is triangulated structure which is present in lower abdomen. Triangular structure which is present in lower abdomen. It has two parts, body and neck. Okay, my dear friend, this urinary bladder contains two tube-like structure, that is ureter. From the ureter, urine is drained into urinary bladder. Okay, this urinary bladder is triangulated structure. Okay, made up of three layers. That three layers collectively called as detrusor muscle. क्या बोलते हैं? Detrusor muscle. These detrusor muscles made up of three types of cells. First one is the outer longitudinal fiber, middle oblique fiber, and innermost inner longitudinal fiber. दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर जो कि ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज मेड अप ऑफ डेट्रूजल मसल, स्पेशल टाइप ऑफ मसल. ओके, विच इज मेड अप ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, मिडल ऑब्लिक फाइबर एंड इनर लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर. बच्चों ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके नेक पोर्शन में यहां पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर? इंटरनल. क्या बोलेंगे? इंटरनल. इंटरनली सिचुएटेड, डायरेक्टली ओपन इन टू द यूरेथ्रा, दैट्स व्हाई नोन एज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और वॉल. फ्रॉम हेयर दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड. क्या है ये? प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, this is diaphragm. Okay, and this is finally open. From here penis. Yes dosto, urine is formed, synthesized in kidney, and it is drained with the help of
ureter into urinary bladder. From the urinary bladder, urine is voiding off outside the body. That process is known as micturition. Okay. So, this urinary bladder is made up of three types of the cell. From the urinary bladder, urine enter into the urethra. किसमें enter करता है? Urethra में. Okay. तो urethra में अभी आपको बता रहा हूँ. पहले हम इसको cover पूरा complete कर लेते हैं. ये जो detrusor muscle है ना, ये specific type की muscle है, जो कि पूरा ट्राइगोन, ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है. जबकि बॉडी में जो अदर मसल्स होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी रिलैक्स करती है, बट ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है. यस और नो? चलिए बढ़ते हैं. ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, एम्प्टी कंडीशन में, किस कंडीशन में? एम्प्टी कंडीशन में रगी के जैसे हो जाता है. ऑब्वियसली रगी के जैसे कैसे हो जाना चाहिए? रगी मतलब फोल्डिंग. यस. और जब इसमें यूरिन फिलअप हो जाएगी तो फिल्ड होने के बाद ये क्या हो जाना चाहिए? स्ट्रेच हो जाना चाहिए. यस और नॉट? ऐसा ही होता है. एनी डाउट? गुड. यस. सो अनफिल्ड कंडीशन में यूरिनरी ब्लैडर स्मॉल हो जाता है, रगी के जैसे होता है. फिल्ड कंडीशन में लार्ज हो जाता है और टाइट हो जाता है. ओके. चलिए अब हम पढ़ रहे हैं यूरेथ्रा. क्या पढ़ रहे हैं? यूरेथ्रा. यूरेथ्रा मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है. मेल में ये 20 सेंटीमीटर का होता है यूरेथ्रा. यूरेथ्रा मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल. यस. फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो ओनली यूरिन पास करने के लिए यूज होता है. ओनली इसका जो फंक्शन होता है, पास यूरिन ओनली. ओके. और इसका जो साइज होता है वो 3 to 4. यस. 3 to 4 सेंटीमीटर. यस. चलिए बढ़ते हैं आगे. जबकि मेल में इसके दो फंक्शन होते हैं, ये यूरिन भी पास करता है और स्पर्म भी पास करता है. यस और नॉट? ठीक है. इसलिए इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन जो कि दोनों रिप्रोडक्टिव भी हुआ और मिक्चुरेशन भी हुआ. यस. इसका जो साइज है वो 20 सेंटीमीटर होता है. यस. इसके तीन पार्ट होते हैं. मेल यूरेथ्रा है 3 पोर्शन. फर्स्ट इज अ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, देन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एंड थर्ड वन इज अ स्पॉन्जी यूरेथ्रा. ये वेरी इजी, नो नीड टू लर्न, ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके. आप समझिएगा, आपको वैसे समझ में आएगा. फ्रॉम द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर यूरेथ्रा बिगिन. यस. ये जो यूरेथ्रा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ जाता है. मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड अपना जो फ्लूड है, प्रोस्टेटिक फ्लूड इसमें डालती है. यस. इसलिए ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ओके. देन ये जो डायफ्राम है, यहां पर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है. और इसके बाद जो यूरेथ्रा है वो डायरेक्ट पेनिस में ओपन होता है, जो कि स्पॉन्जी. दैट्स व्हाई नोन एज स्पॉन्जी यूरेथ्रा. यस और नॉट? क्या पढ़ रहे हैं? मेल यूरेथ्रा का साइज 20 सेंटीमीटर. इट हैज 3 पोर्शन, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड स्पॉन्जी यूरेथ्रा. और स्पॉन्जी यूरेथ्रा से ये यूरिन बाहर. यस. इससे यूरिन और स्पर्म दोनों आएंगे, जबकि फीमेल से ओनली यूरिन पास होगी. यस. ठीक है. अब बढ़ते हैं आगे. हमने क्या पढ़ लिया? ये वाला जो पूरा पोर्शन है यूरिनरी ब्लैडर का, इस पोर्शन को ट्राइगोन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्राइगोन. जहां से पूरी यूनिट एक साथ नेक से होते हुए बाहर जाती है. ठीक है. गुड. हमने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पूरा पढ़ लिया है, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ लिया है. अब हम पढ़ रहे हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, यूरिन बाहर कैसे जाती है. यस. तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको मैं और बता देता हूं. ये जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ना, इसमें
पेल्विक नर्व की सप्लाई होती है। कौन सी नर्व की सप्लाई होती है? पेल्विक नर्व। यस, ये हमेशा क्लोज की कंडीशन में होता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन में होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन में होता है। यस, ठीक, गुड। और ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है सर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर तो आपने बताया नहीं, जो डायफ्राम है ना, यहीं पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, वो यहां लिख देता हूं मैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है यार, ये भी हमेशा कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन में रहेगा, मतलब क्लोज रहेगा। यार इसमें स्केलेटल मसल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? स्केलेटल मसल फाइबर, जिसके कारण इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जबकि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम यूरिन रोक लेते हैं ना, हमारी इच्छा से करते हैं, यस यस, वो इसके कारण। ठीक है, इसमें प्यूडेंडल नर्व, विच नर्व? प्यूडेंडल नर्व की सप्लाई होती है। यस, ठीक है। अब यूरिन बाहर कैसे आती है, उसके मैकेनिज्म में आपको बताता हूं। ठीक है, देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, मान लो नॉर्मल कंडीशन में अभी यूरिन फिलअप होना स्टार्ट हुई है, ठीक है, और ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये अभी क्लोज है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्लोज की कंडीशन में है। ठीक है, तो अपन यहां से लिखते जाते हैं। सबसे पहला फिलिंग यहां से लिखता हूं, फिलिंग ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो गई। यूरिनरी ब्लैडर में जैसे यूरिन फिल होगी, ये स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच होने के कारण स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। यस, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, यहां से जो पेल्विक नर्व है, कौन सी नर्व है? पेल्विक नर्व, जो इस यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करती है, यहां से मैसेज जाएगा ब्रेन में। यस, तो यहां से इंपल्स जनरेट होंगे, उस इंपल्स को बोलेंगे एफरेंट इंपल्स। क्या बोलेंगे? एफरेंट इंपल्स। ये एफरेंट इंपल्स, ये एफरेंट इंपल्स मूव वाया पेल्विक नर्व, किसकी मदद से जाएंगे? वाया पेल्विक नर्व। ओके, ये पेल्विक नर्व सैक्रल सेगमेंट से, सैक्रल सेगमेंट में आएगी। यस, ये आ गया सैक्रल सेगमेंट में, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये सैक्रल सेगमेंट से अब ये ब्रेन में आएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अब फिर मैसेज नीचे आएगा, तो बोलेंगे एफरेंट इंपल्स। ये एफरेंट इंपल्स फिर से सैक्रल सेगमेंट में आएगा, सैक्रल सेगमेंट से पेल्विक नर्व में जाएगा। कहां जाएगा? पेल्विक नर्व में। और पेल्विक नर्व से होता हुआ, पेल्विक नर्व से होता हुआ, पेल्विक नर्व किसको सप्लाई करती है? इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, उसको एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन में तब रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर जो कि पेल्विक नर्व से सप्लाई होता है, हमेशा कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन में रहता है। जैसे ही डेट्रूजल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, पूरी यूरिन यहां आ जाएगी। पेल्विक नर्व से मैसेज आया, ये रिलैक्स हुआ, तो अब यूरिन नीचे आ गई। एनी डाउट? यूरिन कहां तक आ गई? यहां तक। क्यों? क्योंकि यहां पर दूसरा स्फिंक्टर है जो कि पुडेंडल नर्व से सप्लाई है, और ये हमेशा कैसा रहता है? पुडेंडल नर्व हमेशा काम करती है, मतलब एक्टिवेट रहती है, और इसको क्लोज रखती है। यस, तो अब यूरिन यहां तक आ गई।
जैसे ही यूरिन यहाँ तक आएगी फिर से मैसेज ब्रेन में जाएंगे, यस फिर से मैसेज ब्रेन में जाएगा और एफरेंट इम्पल्स पेल्विक नर्व से सैक्रल सेगमेंट होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर मैसेज जाएगा। ब्रेन से मैसेज आएगा, जो मैसेज आएगा उसको बोलेंगे एफरेंट इम्पल्स। ये एफरेंट इम्पल्स पेल्विक नर्व से होती है सैक्रल सेगमेंट से फिर आएगा पेल्विक नर्व में, या मैंने सैक्रल सेगमेंट नहीं लिखा है यस, और सैक्रल से पेल्विक नर्व मैसेज भेजेगी प्यूडेंडल नर्व को। किसको भेजेगी? प्यूडेंडल नर्व को। और ये प्यूडेंडल नर्व क्या हो जाएगी? इनिबिट, क्योंकि स्टिमुलेट थी ऑलरेडी, एक्टिवेट थी, सप्रेस हो जाएगी, मतलब इनिबिशन ऑफ प्यूडेंडल नर्व। और जैसे ही प्यूडेंडल नर्व इनिबेट होगी, क्या होगी? इनिबेट होगी, तुरंत एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कॉन्स्ट्रिक्शन था वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स। एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया और जैसे ही ये रिलैक्स होगा वॉइडिंग ऑफ यूरिन क्या हो जाएगा? तुरंत मिक्चुरेशन हो जाएगा। व्हाट इज मिक्चुरेशन? वॉइडिंग ऑफ यूरिन। यस और नो? यस। दिस इज ऑल अबाउट मिक्चुरेशन, दैट इज रिफ्लेक्स प्रोसेस, वॉइडिंग ऑफ यूरिन। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन बिलो कॉमेंट बॉक्स। ओके दोस्तों, यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप इसको एक बार थोड़ा रिपीट देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल है ये वाले जो हैं, आपको ये शायद थोड़ा समझने में दिक्कत आया हो, अदरवाइज यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू एज पॉसिबल एज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।